मेच्योरिटी में मिलेगा आपको 2,50,000 रुपये, लेकिन साल में भरना है सिर्फ 10,000 रुपये। आपको हर साल 10,000 रुपये भरना है LIC के पॉलिसी में, और मेच्योरिटी में जो भी पैसा मिलेगा ये आपको एक साथ सभी पैसे आपको मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि साल में 10,000 रुपये अगर आप भरते हैं तो आपको कितना पैसा रिटर्न मिलता है और कितना आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, वहीं पर आपको किस तरह के बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि LIC की जो पॉलिसी होता है उसमें आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है हर साल, इसके साथ ही आपको वहाँ पर इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं पर जो भी पैसा आप जमा करते हैं या फिर जो भी सम एश्योर्ड लिया जाता है उस सम एश्योर्ड के ऊपर LIC आपको हर साल बोनस देते रहता है। तो ये जो बोनस और जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया ये आपको मैच्योरिटी के टाइम में रिटर्न दे दिया जाता है। तो जैसे कि अभी हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आपको सिर्फ 10,000 रुपये जमा करना है साल में और आपको कितना मिलेगा। जैसे कि वीडियो की जो शुरुआत में आपको पता चल गया कि आपको मैच्योरिटी में 2,50,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपका जो भी प्रीमियम ये कितना रुपये जमा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 10,000 रुपये साल में भरना है, उसमें आपका जो भी मैच्योरिटी है यानी कि जो मैच्योरिटी की जो टर्म है ये 16 साल, यानी कि 16 साल में आपका पॉलिसी मैच्योर होगा, उस वक्त आपको लगभग 2,50,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाएगा। इस 2,50,000 में आपका टोटल खुद का पैसा जो भी आपने जमा करते हैं ये पैसा आपका लगभग 1,60,000 रुपये आपका वहाँ पर जमा होता है, बाकी जो भी है ये आपका बोनस है। वहीं पर जो भी प्रीमियम आप जमा करते हैं उसमें आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाता है। भगवान ना करे अगर पॉलिसी होल्डर का किसी कारण वजह से डेथ हो जाता है तो उस वक्त नॉमिनी को 1,50,000 का डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पर अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो उस वक्त नॉमिनी को और 1,50,000 उस वक्त मिल जाता है। तो टोटल अगर हम बात करें कि अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है तो वहाँ पर उनको दो तरह के बेनिफिट्स मिल जाता है। सबसे पहला हो गया कि नॉर्मल डेथ बेनिफिट्स, उसमें 1,50,000, और दूसरा हो गया एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जिसमें और 1,50,000 रुपये वहाँ पर उनको मिल जाता है। यानी कि टोटल उनको 3,00,000 रुपये की बेनिफिट वहाँ पर उनका नॉमिनी को मिल जाता है। तो इस तरह वहाँ पर इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको वहाँ पर LIC की पॉलिसी में जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पर लोन की फैसिलिटी है, लोन ले सकते हैं, वहाँ पर उनको सरेंडर की फैसिलिटी है, सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को किसी भी वक्त, जिस बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने हमारे चैनल पर दे दिया। आप चेक कर सकते हैं कि पॉलिसी को कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है अपने चैनल पर। आप उसे देख कर समझ सकते हैं कि कैसे होगा और कितना आपको उस वक्त मिल सकता है। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि इस वीडियो में सिर्फ 10,000 आपको ईयरली पेमेंट करना है और आपका जो मैच्योरिटी है ये 16 ईयर्स में लगभग 2,50,000 मैच्योरिटी हो जाएगा। वहीं पर जो 16 साल जो टर्म है इसमें आपको 16 साल टोटल पूरा 16 साल आपको प्रीमियम भरना पड़ता है तभी ये मैच्योरिटी उस वक्त मिलता है। लेकिन बीच में अगर आपका डेथ हो जाता है या फिर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट जो है ये मिल जाएगा, या फिर एक्सीडेंटल डेथ होने से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट उस वक्त मिल जाएगा। वहीं पर पॉलिसी में अगर 16 साल प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपको कम से कम 3 साल तो प्रीमियम भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 साल 2 साल प्रीमियम भरते हैं और अगर आप पॉलिसी को प्रीमियम जमा करना अगर बंद करते हैं तो आपका जो भी पैसा ये रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे अन्य वीडियोस चेक कर सकते हैं जिसमें हमने बताया कि आपको मिनिमम 3 साल तो प्रीमियम जमा करना ही पड़ेगा पॉलिसी मैच्योरिटी के लिए, या फिर आप पैसा रिटर्न अगर चाहिए तो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।